वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्लैश स्क्वाड सीएस रैंक में यहाँ पर कटाना लिया है, और आप भी अगर इसी तरह मेरी तरह अभी कटाना लेना चाहते हो तो कटाना मतलब तलवार जो भी बोल दो आप उसे बोल सकते हो, तो आप कैसे ले सकते हो ये मैं आपको बहुत ही आसान मतलब सिंपल से स्टेप है जिससे आपका ये कटाना आपके क्लैश स्क्वाड में आपको बहुत मिल जाता है। तो उसके लिए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर अपने लॉबी में आ चुका हूँ, और लॉबी में आने के बाद आपको स्टार्ट बटन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्यूब जैसा आइकन देखने को मिलता है। आपको सिंपली उस क्यूब जैसे आइकन को यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मतलब लोड आउट जैसा ऐसा देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे लोड आउट के आपको रिपेयरिंग का डब्बा भी यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको उस डब्बे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्यूब लोड आउट पर यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो मतलब दूसरे नंबर पर जो डब्बा है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो कोई भी आप रैंक मैच क्लैश स्क्वाड की रैंक मैच भी और सिंपल मैच दोनों में कटाना आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लैश स्क्वाड की मैच लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्टार्ट करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे पहले ही राउंड में यहाँ पर कटाना मिल चुका है, और ये कटाना आपको सिर्फ पहले राउंड में मिलता है, और उसके बाद अगर आप विन होते हो तो आपको फिर भी ये कटाना आपके पास ही रहेगा। और ओपोनेंट में किसी ने अगर कटाना लिया है तो आप उसे किल करके भी उसके पास से भी आप कटाना ले सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आएंगी, और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक।